क्या बोल रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास ये लड़की आई है, इनका नाम है सोनल और इनको तो गाइज आप जानते होंगे, नितिन भाई हैं। नमस्कार दोस्तों, नितिन मार्टिन। तो दोस्तों इस लड़की की हेल्प करनी है, हम कल भी आए थे हेल्प करने के लिए, 2-4-6 घंटे हम इंतज़ार करके चले गए। जो दो लड़के हैं इनको परेशान करते हैं, इनकी पीछे की कुछ प्रॉब्लम है, तो आज उम्मीद करते हैं वो लड़के आ जाए और हम इसकी हेल्प कर सके इस लड़की की आज ही। तो पूछते हैं आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी, कैसे वो परेशान करते हैं एक बार? मैं पीजी में रहती हूँ, मेरे बाजू के रूम में ही उन लोग रहते हैं। अच्छा। और उन लोग बहुत परेशान करते हैं, छेड़ते हैं बहुत ज़्यादा। घर से बाहर निकलना मेरा बहुत दुश्वार हो चुका है, नहीं निकल पाती मैं। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स, टच वगैरह करते हैं, नहीं बता। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा। कब से कर रहे हो ये? 4 महीनों से। 4 महीनों से? तो आपने किसी को बताया नहीं? मैं किसी को नहीं बता सकती। मम्मी पापा को? नहीं, मैं उन लोग पुणे में रहते हैं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। उन लोगों को पता चला घर में। आप रो मत, देखो आप घर में कौन कौन है आपके? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मॉम डैड और 2 भाई है। और भाई क्या करते हैं? मेरा छोटा वाला भाई चाय के यहाँ पे काम करता है, चाय की दुकान पे। और बड़े वाला भाई क्या करता है? वो फैक्ट्री में। उसके उन दोनों की वजह से हमारा घर चलता है। और आप क्या करते हो यहाँ? मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। पहले मैं कर रही थी काम। अच्छा। पर मेरी नौकरी छूट गई, अभी घर पे रह रही हूँ। और ये सब परेशानी। तो क्या करते हैं मतलब, मेरे को एक मिनट, वो करते क्या हैं ये बताओ? मतलब लड़के जो हैं वो क्या करते हैं सर? मतलब वो मुझे टच करते हैं बुरी जगह, नहीं प्राइवेट पार्ट्स पे टच करने की कोशिश करते हैं, धक्का देते हैं। अच्छा। सीढ़ी चढ़ते वक्त वहाँ पे बैठेंगे। अच्छा। गिराते हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं। तो वो इधर भी आ जाते हैं? पीछा करते रहते हैं बस। मेरा नंबर भी निकाल लिया उन लोग ने कहाँ से। अच्छा। तो हम कल तो आए थे, कल भी नहीं आए वो, और आज भी आए हैं। देखो हम तो आए हैं आपकी हेल्प के लिए। देखो कल भी इंट्रो लिया था ना आपसे, वो हम वीडियो के लिए ले रहे हैं। अगर हम आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो हम बस ऐसे उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ मेरी, वो बस हमें मिल जाए एक बार। सो गाइस, जैसा कि आपको मैं बता दूँ, इस लड़की का ना तो हमारे पास कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और ना ही इसने हमारे को हेल्प करने के लिए बोला। इसका एक मेन मकसद क्या है, एक लड़का है जो कि पड़ोस में रहता है, वो हमें जानता है। उसने बोला, उसने उन दोनों लड़कों की हरकत इसके साथ देखी होगी और उन्होंने मुझे बोला और सोनू को बोला कि भाई एक लड़की परेशान है बट वो किसी से कह नहीं पाती। तो आज वो लड़का हमारे साथ ही आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंड में उसको। तो उसने हमारे को इसके लिए बताया, तो आज हम इनसे यहाँ डायरेक्ट मिलने आए थे कल। तो ये बोली कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी है, तो हमने कल भी इंट्रो लिया था, तो कल तो वो लड़के आए नहीं। और गाइज हम इस लड़के के, इन जो दो लड़के हैं, इन दोनों लड़कों के पीछे लगे हुए हैं कि वो कैसे करके इधर आ जाएं और हम उनको एक्सपोज कर दें, बिकॉज़ ये लड़की बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत ही शरीफ सीधी लड़की है यार। मतलब गलत बात है यार करना कि ये इतना गलत काम कर रहे हैं यार ऐसे, मतलब हमारी इंडिया के अंदर ये काम हो रहा है यार, गलत बात है ये। तो सोनू भाई ने मुझे बोला था कि भाई आप मिलके ये सब एक्सपोज करो, बिकॉज़ वो दो लड़के हैं यार। नितिन मार्टिन आ गया तो 2 नहीं 10 लड़के भी होंगे, तो एक्सपोज अगर सोच लिया करना तो एक्सपोज ही करेंगे, ठीक है, चाहे वो फिर कितने भी आ जाएं। क्योंकि चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आपसे बाद में बातें करता रहूँगा, अभी हम करते हैं उन लड़कों का वेट, ठीक है। और सोनू भाई और लड़की और मैं, और हम मिलते हैं आपको वीडियो के साथ में। देखो अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि दिक्कत में हो, मतलब हम भी हैं सोनू भाई, भैया वो देखो वो तो उधर है, वो ये है, वो ये क्या? एक मिनट आराम से देखो, ऐसा है, चलो सही आ गया मेरे को लग रहा है। कैमरा स्टार्ट कर दे भाई, कैमरा स्टार्ट कर दे। अरे फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, आ जाओ मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगे? अरे मैं हूं ना, आ जा लड़कियां। अरे फोन दे दे, कैमरा है ना स्टार्ट, फोन दे दे, तू ये फोन, आप फोन ले लो, फोन रख, आ जाओ पीछे पीछे, डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ।
मिलने जा रहा है लड़की से, एक मिनट पूजा, क्या नाम है तेरा? हाथ लगाने पर आया ना तो बहुत जगह हाथ लगा दूंगा। पहले ये बताओ तुम लड़की के दूसरी जगह हाथ कैसे लगाते हो प्राइवेट पार्ट पे? किसने बोला? वो कौन था? किसने बोला बताओ? लगाती है नहीं लगाते? आते जाते वक्त क्या करता भाई? सीढ़ी पे। अच्छी बात है, झूठ बोल रहे हैं लोग। तुम रोज आते हो इसका पीछा करते हो, गलत बात है। बीच में से भी एक मिनट रुक जा, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लेकिन कौन हो भाई? साले यहाँ से फाड़ूंगा, एक मिनट रुक जा। कौन है आप? उसको यहाँ से फाड़ूंगा और फाड़ता हुआ ऊपर ले जाऊंगा। चुप, बिल्कुल शांत। ये बताओ क्या क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं, क्या क्या करते हैं लड़की? कैसा ये? एक मिनट रुक जा। हाँ भाई, बड़े तुम्हारे से बड़ा कौन है? तू बड़ा है और तू छोटा है, दोनों भाई हो। क्या करते हो? हम लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाई करते हो? अभी छोड़ दी। अभी छोड़ दी तो लड़की, मतलब लड़की बाजी, आज की बाजी का ही काम है तुम्हारा। और क्या करते हो? हम लोग बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या आपको क्या मतलब? क्या इसमें हम लोग कुछ भी करते हैं, आप कौन हो कुछ हो? यार नितिन, प्यार से इनसे ना सबक नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं। आप लोग हो कौन ये तो बताओ। मैं तुम दोनों का बाप हूँ, अब बताओ क्या होगा, क्या करोगे तुम? पहले बताओ लड़की को क्यों परेशान करते हो? क्या करोगे? हैं? करता हूँ तो क्या करोगे? अच्छा करता हूँ तो क्या करोगे? एक मिनट तू इधर आ जा, मेरे से बात कर। सोनू कोई बात नहीं है ऐसी मारने पीटने की, इसमें तो मैं मारना पीटना बात ही समझ में नहीं आ रही भाई। खड़े खड़े समझा दूंगा लड़की को। बोलो ना भाई, को भले साले मारूंगा, अभी थप्पड़ खींच के साले हाथ क्यों लगा रहे हो? बहुत मारूंगा, बेंचो दो दोनों को। प्यार से गाली, बात गाली मत दो भाई, गाली मत दो। क्या करेगा नहीं भाई, गाली मत दो साले, टक्कर में सर फाड़ दूंगा। गाली मत दो, गाली मत दो, बस गाली मत दो यार। फिर मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, दोनों को प्यार से समझा रहा हूँ। अरे लेकिन भाई आपको हुआ क्या? क्या हुआ आपको? ये तूने बोली इन लोगों को? एक मिनट भाई, कुछ भी बोल के लाए ले आपको। मेरी बात सुन, मंडी अपनी अपनी बहन के गलत जगह क्यों नहीं लगाते जहाँ इसके लगाते भाई? बहन के बारे में कुछ क्या क्या बोल रहा है? क्या के बारे में क्या 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 बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? समझ बात नहीं आ रही। क्या बोल रहा है? क्या प्यार से आले तीन बार तेरे को बोल रहा है? क्या बोल रहा है? गलत गलत तीन बार प्यार से बोल दिया, समझ में नहीं आती। ओ हेलो, समझ में नहीं आती। इनका ऊपर नीचे गिरा दोनों को, फाड़ दो बेंच, मारो उनको और मारो। मारो, कैसे रोने लग रही है? लड़की रोने लग रही है, छोड़ के भागेगा। ओ हेलो भाई, सॉरी, ये कैसे रोने लग रही है? तुम्हारी मैं बहन के तुम्हारी क्यों सॉरी? अभी किस भाई? सॉरी, लेफ्ट बैठो, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बहन, सॉरी भाई, नीचे बैठ, ये बहन गलती होगी, नीचे बैठ, बहन के सॉरी भाई, नीचे बैठ, सॉरी ना बोलती होगी। एक मिनट रुक जा, ये बता इधर आ जा, आजा इधर आके बता कौन कौन सा दोनों कौन सा हाथ लगाता है? पैरों साले रुक जा एक मिनट, अपनी बहनों के गलत जगह हाथ क्यों नहीं लगाता भी तू? भाई आज का आज नहीं होगा भाई, सॉरी ना भाई, गलती भाई, गलती हो गई, सॉरी। अपनी बहनों के गलत जगह हाथ क्यों नहीं लगाता पहले भाई? सॉरी, नीचे झुक के मुर्गे बनो, मुर्गे बनो, चलो मुर्गा कैसे बनते हो स्कूल में? वो बन जल्दी, तू भी बन जल्दी। सॉरी ना, दोबारा नहीं होगा ना भाई, तेरी बहन भाई भाई, मुर्गा बन, मुर्गा बन। अपनी बहनों के साथ गलत काम क्यों नहीं करते हैं बे? हैं? अपनी बहनों के साथ गलत काम क्यों नहीं करते बे? इधर आ जा, इधर आ जा, मुर्गे बनो दोबारा, उधर चल, दोबारा बनो मुर्गे, इधर नीचे बैठ, जाने दो ना भाई, इधर आओ, मारो इसके, बढ़िया बढ़िया, खींच खींच के थप्पड़ मारो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है दीदी, सॉरी। ओए ना 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 ना, सॉरी ऐसे नहीं, साला फाड़ दूंगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कान के साथ तेरी भाई, भाई सॉरी, भाई
कोई रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रहे भाई? भाई है मेरा। मारो मारो थप्पड़ मारो मारो गलती हो गई। मारो सामने खड़े हम दोनों के दोनों मारो दोनों को मारो मारो तेज थप्पड़। एक मिनट रुको। अभी दीदी याद आ गई। नीचे नीचे याद आ गई। नीचे अभी दीदी याद आ गई। हाथ दिखा। हाथ आ रहा है। नीचे हो ना नीचे। दीदी याद आ गई। इधर आओ इधर भैया। सॉरी भाई याद आ गई इसको। भाई सॉरी भाई करो। चलो एक काम करो खड़े हो चलो। सॉरी बस छोड़ दे सोनू को। दीदी याद आ गई अब। चलो सॉरी भैया। अभी नन्ने ना एक मिनट रो मत। चलो थाने चलो बैठ। अरे भाई 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 सॉरी ना भाई। अरे थाने थाने आज सॉरी ना भाई। सॉरी ना भाई। नहीं नहीं तू बैठ। चल ज्यादा बोल रहा है तू। ज्यादा बोल रहा है सॉरी। सारे बोलो मत। थाने चलो। थाने जाएगा नहीं जाएगा? चलो नहीं जाएगा। चल इनको लेके चलते हैं। लाइफ खराब हो जाएगी दादा के बैठ। तो तेरे बाप का बाप हूँ मैं। दादा बोल रहा है। आई सॉरी ना भाई। साले कौन सा दादा बोल रहा है तू? हैं तू कह दे साले बना दूंगा अच्छी तरह। चलो खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। तेरी सॉरी दोबारा नहीं होगा दूंगा मुंह मार सब। दादा दोबारा नहीं। चलो थाने चलो। बोल बोल मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं भाई जाने दो ना भाई। सॉरी ना भाई दोबारा। अगर अब तुम नहीं गए ना तो तुम्हारी मैं बहन के तुम्हारी के सॉरी भाई भाई मैं बेल्टों से स्वागत करूंगा। सॉरी ना भाई। आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होगी। चलो चलो उठो और सीधा भागो। गुड़ दुड़ की लगाओ यहाँ पर। चलो कितनी स्पीड से मार सकते हो? चलो स्पीड से मार सकते हो। चलो अब परेशान नहीं करेंगे ठीक है। थैंक यू सो मच। अब दोनों नहीं होते तो मुझे नहीं पता। बंद कर दे यार कैमरा। छोड़ यार। दोस्तों लड़की ने कैमरा ऑन कराया। पूछने आप क्या बोलना चाह रही थी बोल दो एक बार। अब कल भी हम मेरे लिए आए थे नितिन भैया। आपने कैमरा खामे खा ऑन करा दिया। इस चीज के लिए कैमरा ऑन कराया। ये चीज बतानी थी कि आपने मेरी बहुत मदद की। कल भी आप मेरे लिए आए आज भी। कोई नहीं वो तो बोल दिया था नितिन भाई ने। कल भी बोला था चाहे चार दिन लगे आएंगे। अब वो लड़के आएंगे भी नहीं। हाँ। आपके पीछे ऐसे पीछा भी नहीं करेंगे। और कहे तो आपके मकान मालिक से भी मैं बात करूंगा आज ठीक है। और आप कह रहे थे ना एक चीज़ में आपको आप छोटी बहन जैसी हो मेरी ठीक है। तो आप कह रहे हो ना नौकरी की तलाश में हूँ। तो यहाँ पर मेरे बहुत जानकार हैं। मैं आपको नौकरी दिलवाता हूँ ठीक है। आप टेंशन मत लेना। और आपको फाइनेंशियल दिक्कत भी है तो वो भी मैं ठीक कर दूंगा। जितना मेरे से बन पड़ेगा जितना सोनू से बन पड़ेगा वो आपको दे देंगे ठीक है ना। ठीक है ना। टेंशन ना लो बिल्कुल भी। टेंशन मत लो। हमारे कैमरामैन को भी आप बोल दो कुछ। उन्होंने भी हेल्प की हमारी। कैमरामैन को यार कैमरामैन बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे कि हमारा कैमरामैन है। वो टाइम अनुसार सब काम कर देता है। एक तो बहुत अच्छा टाइम था। कल भी लगाया 4-5 घंटे कैमरा लगा के रखा। अरे उस दिन वाली बात बताना। कैमरामैन ने तो फोन करा था मेरे को। भाई कैमरामैन ने ही बचाया था मेरा कैमरा मैन। भाई सैल्यूट है इसको। चलो बाय बाय करो यार। बाय कर दो आप ठीक है। ठीक है दोस्तों। बाय बाय।